हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और शॉर्ट ट्रिक के साथ में इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले डायरेक्शन का ज्ञान होना हमें ज़रूरी है। इस डायरेक्शन में होता है इधर की ओर पूर्व, और इस डायरेक्शन में होता है इधर की ओर पश्चिम, और इधर की ओर होता है उत्तर, ऊपर की ओर होता है उत्तर, और नीचे की ओर होता है दक्षिण। तो देखिएगा, उत्तर में याद रखना है हमें, सिर्फ उत्तर में याद रखना है सिर्फ हमें, उत्तर में दायां किधर होगा और बायां किधर होगा। उसके बाद हम ट्रिक से हम दायां बायां जब भी मुड़ने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन में, तो किस तरह से मुड़ेंगे हम, इस डायग्राम की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, उत्तर में दायां होता है इधर और बायां होता है इधर। इसके बाद देखिएगा, पश्चिम में किसी का फेस होगा तो दायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा। दक्षिण में फेस होगा तो दायां इधर होगा उसका, बायां इधर होगा उसका हाथ। इसी तरह पूरब में फेस होगा तो दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है इस डायग्राम को याद रखने की, देखिएगा उत्तर में याद रखना है हमें दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। इसके बाद देखिएगा, उत्तर से हम पश्चिम की तरफ को आएंगे, यहाँ पर हमने दायां लिया था और यहाँ पर हमने बायां लिया है, तो जस्ट इसके बाद इधर दायां ले लो और इधर बायां, फिर इसके बाद इधर दायां, फिर बायां, फिर से दायां, फिर बायां। इस टाइप से दायां बायां चलना होता है। देखिएगा, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, दायां और बायां। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो आइएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है, फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 मीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले कहा जा रहा है पूर्व की ओर जाता है, तो माना प्रारंभिक स्थान यहाँ से चलना शुरू करता है वो, पूर्व की ओर जाता है, तो पूर्व किधर होता है? इधर की ओर होता है। और कितने किलोमीटर जाता है, सॉरी मीटर जाता है, 10 मीटर जाता है। फिर इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है, तो पूर्व में बायां मैंने बता चुका हूँ डायग्राम में, इस तरह से होता है इधर की ओर, और 15 मीटर जाता है इधर की ओर। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां जब देखेगा ऊपर की ओर जा रहा है तो उत्तर आ जाएगा, उत्तर में कहाँ मुड़ने के लिए कहा जा रहा है? बाईं ओर। तो बायां किधर होता है उत्तर में? इधर की ओर होता है। और कितने मीटर जाता है? 10 मीटर जाता है। फिर उसके बाद अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 मीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिएगा, अंत में दाईं ओर मुड़ना है, तो दाईं ओर देखिएगा किधर होगा? इधर की ओर जब जाएगा तो पश्चिम होगा, पश्चिम में दाया होगा इधर की ओर, और कितना जाता है? 4 मीटर जाता है। तो देखिएगा, आप पूछा है कितनी दूरी पर है अपने प्रारंभिक स्थान से, ये ब्लैक पॉइंट से यहाँ तक की दूरी बतानी है, ऊपर तक की, यहाँ तक की। तो कैसे बताएंगे? देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो होगी 15, क्योंकि ये दूरी भी 15 है हमारी ये वाली। फिर इसके बाद ये दूरी जो ऊपर की बची है ये कितनी होगी? 4। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 4। 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर में 6 मीटर जाता है, वहाँ से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, अंत में 5 मीटर उत्तर पश्चिम में जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले कहा जा रहा है क्वेश्चन में 6 मीटर उत्तर में जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से चलना शुरू किया माना प्रारंभिक बिंदु से, वो उत्तर में जाता है इस टाइप से, उत्तर होता है ऊपर की ओर, 6 मीटर जाता है ये, यहाँ पर 6 मीटर जाता है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है दाएं मुड़कर, दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, तो दायां किधर होगा? दायां होगा इस टाइप से इधर की ओर, इधर की ओर मुड़कर ये 4 मीटर जाता है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है अंत में 5 मीटर उत्तर पश्चिम में जाता है, तो उत्तर पश्चिम डायग्राम से मैंने समझाया था वो इस टाइप से होगा, यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम का एरिया होगा। कितने मीटर जाता है ये? 5 मीटर जाता है। अब हमें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है, ये कितनी दूरी होगी? पूरी टोटल दूरी बतानी है, तो अब हमें ये दूरी पहले पता होनी चाहिए, ये दूरी कितनी होगी। तो देखिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है इस टाइप से, ये ट्रायंगल बन चुका है नीली लाइन से, लाल से, और इससे 5, 4 और नीली लाइन से। तो यहाँ पर देखिएगा ट्रायंगल बन रहा है, तो कड़ है हमारा इसमें 5 और आधार है इसका हमारा 4, तो लंब निकालना है, तो कड़ का स्क्वायर में से हम आधार का स्क्वायर घटा देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो किस टाइप से? देखिएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे कड़ का, 25 माइनस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में से 25, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 9 का, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 3 और 6, 9 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाती है,
अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुमन 10 किलोमीटर उत्तर में जाती है, तो उत्तर डायरेक्शन होती है हमारी ऊपर की ओर। माना यहाँ से सुमन ने चलना शुरू किया 10 मीटर, 10 किलोमीटर ये उत्तर की ओर गई, फिर यहाँ से कहा जा रहा है 10 किलोमीटर जाने के बाद फिर वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण में आती है, तो दक्षिण होता है हमारा नीचे की ओर, देखेगा डायग्राम में तो वो नीचे की ओर आएगी। ये पूरी दूरी 10 है तो 6 दूरी यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर आएगी वो, यहाँ पर आती है, ये दूरी हमारी 6 हो जाएगी, 6 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाती है, तो पूर्व डायरेक्शन होती है हमारी इधर की ओर, तो वो इधर की ओर चली जाएगी और कितना जाती है 3 किलोमीटर, तो ये दूरी हमारी नीचे वाली 4 बचेगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 होगी, तो ये नीचे की दूरी 4 होगी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है अब वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है। तो देखिएगा एक ट्राइंगल बन रहा है, किस टाइप से ट्राइंगल बन रहा है, इस टाइप से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये इस टाइप से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये दूरी हमारी 4 है, ये दूरी हमारी 3 है, ये हमारा लंब है, ये आधार है, ये कड़ है, तो कड़ निकालना है हमें। कड़ का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, फिर लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर हो गया, 3 * 9 हो जाएगा ये, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, तो कड़ का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें इनका, तो यहाँ पर 16 और 9 25 हो जाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे हम तो वो आ जाएगा 5, तो ये कितनी दूरी होगी 5 किलोमीटर अपने प्रारंभिक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ए दक्षिण में 4 मीटर जाता है, वहाँ से दाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है, तभी बी पूर्व में 7 मीटर जाता है और दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, तो बी ए के सापेक्ष किस दिशा तथा कितनी दूरी पर है? तो इस क्वेश्चन को भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। ए और बी माना मैंने यहाँ से चलना शुरू किया ब्लैक पॉइंट से, प्रारंभिक स्थान से, यहाँ से ए ने देखेगा कहा जा रहा है ए दक्षिण की ओर, ए दक्षिण की ओर 4 मीटर जाता है, तो दक्षिण डायरेक्शन होती है हमारी नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जाएगा ए और कितने मीटर जाता है ये 4 मीटर जाता है, फिर इसके बाद वहाँ से दाएं मुड़ता है, तो दक्षिण में दाएं होगा देखिएगा इधर की ओर, इधर की ओर मुड़ जाएगा, दक्षिण में दाएं इधर होता है, जब फेस किसी का दक्षिण में हो तो दाएं इधर होता है, फिर 3 मीटर जाता है, इधर ये जाता है 3 मीटर, तो यहाँ पर हमारा ए आ चुका है, तभी बी पूर्व में 7 मीटर जाता है, तो देखिएगा पूर्व डायरेक्शन हमारी किधर होती है, इधर की ओर होती है, तो इधर की ओर इस टाइप से चला जाएगा, ये कितने मीटर जाता है 7 मीटर जाता है, तो ये इधर की ओर 7 मीटर जाता है, फिर उसके बाद मुड़ 7 मीटर जाता है और दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, तो दक्षिण में जब फेस होगा तो दाया इधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, और इधर की ओर मुड़कर कितना जाता है 4 मीटर जाता है, तो 4 मीटर यहाँ पर हमारा बी आ चुका है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो बी ए के सापेक्ष किस दिशा में देखेगा, इधर की ये दूरी हमारी कितनी होगी 7 होगी, क्योंकि ये ऊपर वाली दूरी भी हमारी 7 है, तो ये दूरी भी हमारी 7 हो जाएगी, और देखिएगा डायरेक्शन किधर आ रही है, बी पूछा जा रहा है ए के सापेक्ष किधर की ओर है, इधर की ओर है हमारा बी, तो इधर की ओर डायरेक्शन होती है हमारी पूर्व, तो पूर्व में है और कितनी दूरी पर है देखिएगा, ये ए से लेके बी तक की दूरी हम यहाँ तक की दूरी ऐड कर लेंगे, कितनी हो जाएगी 3 और 7 कितनी हो जाएगी 10, तो 10 मीटर पूर्व में होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 10 मीटर पूर्व में।